सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास होता है। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वास चालू हो जाता है। अग्नि पुराण का संवाद है। वासुकों का वास के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए दीप को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपदा की कमी नहीं होती। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहां केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में 1/2 घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिन दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं, आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाए। जिसके यहां पर भी अगर
थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए उसमें जो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास होता है, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है, 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वास चालू हो जाता है, यज्ञ पुराण का संवाद है। वासुकों का वास के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास चालू हो जाता है, 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है। इसलिए दीप को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपदा की कमी नहीं होती। कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना, आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।